नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल इंडिया समाचार। हजारों की संख्या में किसानों ने किया जल सत्याग्रह। जी हां, हरदोई से खबर मिल रही है कि जतनगंज पुल पर भारतीय किसान यूनियन संगठन के प्रदेश अध्यक्ष श्यामू शुक्ला के नेतृत्व में किसानों की मांगों को लेकर गोमती नदी में जल सत्याग्रह किया गया, जिसमें किसानों की प्रमुख समस्याएं रही पोल्ट्री, गन्ना भुगतान, गोवंश आदि को लेकर। तमाम जगहों से आए किसानों ने गोमती नदी में हजारों की संख्या में मौजूद रहे, जिसमें मुर्गी पालन के कारण ये बताया गया कि ग्रामीणों का रहना मुश्किल हो रहा है, बीमारी के प्रकोप से लोग घबरा रहे हैं और वहीं क्षेत्रीय लोग भी इससे बहुत परेशान हो रहे हैं। धरनास्थल पर सुरक्षा हेतु भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहे। धरनास्थल पर पहुंचे तहसीलदार मितौली ने किसानों की मांगों को सुना और समाधान के लिए आश्वासन में कुछ समय मांगा, जिससे संतुष्ट ना होगा श्री शुक्ला ने किसानों की सहमत के अनुसार प्रदर्शन को अनिश्चितकालीन के लिए करने का निर्णय लिया और कहा कि जब तक हम किसानों की मांगों को उचित समाधान नहीं होगा, तब तक हम ऐसे ही इसी तरह का सत्याग्रह करते रहेंगे और अगर कल तक समाधान नहीं हुआ तो संगठन बड़ा निर्णय लेने पर मजबूर हो जाएगा। मुख्य रूप से मौजूद पदाधिकारी तहसील अध्यक्ष शाहबाद राहुल मिश्रा, मयंक सिंह चौहान, ब्लॉक अध्यक्ष अमिताभ सिंह, अतुल दीक्षित, पंकज सिंह, टिंकू सिंह, प्रधान अयारी, हजारों संख्या में लोग किसान मौजूद रहे। वहीं 20 घंटे तक पूरा कर रहा नहीं संज्ञान में लिया गया खीरी प्रशासन। रात्रि में भी चला पानी में प्रदर्शन कर सरकार नहीं लेगी किसानों की कोई सुध। प्रदर्शनकारी किसान नेता हो रहे बेहाल, ना कोई सुरक्षा और ना ही कोई स्वास्थ्य टीम। यह कैसा लोकतंत्र कि जायज समस्याओं के निराकरण की बजाय अधिकारी सो रहे हैं और किसान मरने की कगार पर रहे हैं और इसीलिए किसानों में ये आक्रोश बढ़ रहा है। किसान अपना सरकार अपना वोट के लिए जन प्रतिनिधियों से बांधी आंख में पट्टी, अब कुछ बड़ा होने वाला है ऐसा लगता है, क्योंकि किसान भी अब उनको पहचान गए हैं जिन्होंने छल करके उनका मत लिया है। अब होगी आर पार की लड़ाई। साहब आओ, न्याय दो या मौत हमको मंजूर है। इंडिया समाचार के लिए ये थी हमारे संवाददाता कुलदीप सिंह की खास रिपोर्ट हरदोई से। रात के 10 बज चुके हैं, उसके बावजूद भी आप इस जल में हैं। देखिए, आप सबको पता है कि तीन प्रमुख समस्याएं जो हैं किसानों की, जनपद की एक गन्ना भुगतान, और दूसरा आवारा गौवंश, और तीसरा बरनारा पोल्ट्री फार्म के द्वारा अत्यधिक पैदा हो रही मक्खियां, इनको लेकर के प्रदर्शन शुरू हुआ था। इसके अतिरिक्त भी तमाम और समस्याएँ हैं जो मैं समझता हूँ लेखपाल और ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के स्तर की समस्याएं। तीन प्रमुख बातों पर अगर प्रशासन से कोई वार्ता करो तो कह देते हैं शासन के स्तर का मामला है, सरकार के स्तर का मामला है। सरकार पर कह कर के टाल देते हैं, मक्खियों की वजह से लोगों का जीना दुश्वार है, गन्ना भुगतान ना होने से लोगों के परिवार संकट में है, आवारा गौवंशों से किसानों की फसलें नष्ट हो रही। इन पर बात करो तो कह देते हैं कि शासन के स्तर का बिंदु है, लेकिन जो उचित दर विक्रेताओं की उदंडता है, ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों के द्वारा जनता का किया जा रहा शोषण है, और क्षेत्रीय लेखपालों के संरक्षण में सरकारी ज़मीनों पर जो कब्जा हो रहे हैं उन पर भी यहां का प्रशासन अंकुश लगाने में असमर्थ है। इस वजह से आज हम सबको यहाँ पर इस नदी में रात्रि में भी आंदोलन करना पड़ रहा है। तहसीलदार महोदय आज वार्ता के लिए आए थे, लेकिन जब तहसीलदार महोदय का स्वयं अपने लेखपाल पर अंकुश नहीं है तो उनसे हम लोग क्या उम्मीद करते। इसलिए उनको मांग पत्र ना दे करके इस कार्यक्रम को अनिश्चितकाल के लिए कर दिया गया है, और हम लोग अब तब तक इस नदी में जल सत्याग्रह करेंगे गोमती नदी में जब तक जिला अधिकारी महोदय
हम लोगों की वार्ता सुनने के लिए, हम लोगों की समस्या सुनने के लिए, हम लोगों की समस्याओं का समाधान बताने के लिए इस गोमती नदी तट तक नहीं आएंगे, तब तक यह कार्यक्रम अनवरत चलेगा, उसके बीच में कार्यक्रम समाप्त नहीं होगा। ठीक है, धन्यवाद।